नजरियाती जिंदगी गुजारे। अगर दौड़ धूप सिर्फ बेहतरीन घर की होती, अगर दौड़ धूप सिर्फ जायदादें बनाने की होती, अगर यही काम होता, मैं क्या करता हूं, अगर दौलत बड़ी प्यारी होती ना तो सबसे ज्यादा सय्यदा फातिमा के घर होती। अगर ये बहुत आला चीज होती तो ये तो वो वाला घराना है कि तीन तीन दिन चूल्हा नहीं जला। और कंजुल माल में वो लफ्ज मौजूद है कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ऊंट के बालों की बनी हुई चादर सय्यदा फातिमा ने ओढ़ी हुई थी, ऊंट के बालों की बनी हुई चादर, और वो चक्की पीस रही थी, चक्की चला रही थी। कहते हुजूर ने देखा तो नबी पाक की आंखों में आंसू जरूर आए, पर पता महबूब ने क्या फरमाया, ये कंजुल माल में मौजूद है। महबूब फरमाने लगे, शहजादी दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह तुम्हें ही अता फरमाए। सुभान अल्लाह, ये थोड़ी दुश्वारी है। यहाँ हर बंदे की बेटी दुखी नहीं, जिसको भी पूछ ले दुखी है, जिससे भी पूछ ले, हजरत जी दुआ करना, पीर साहब दुआ करना, मुफ्ती साहब दुआ करना, बुजुर्गों दुआ करना, क्यों जी बेटी बड़ी तकलीफ में, क्यों जी, कहते ससुराल वाले काम बड़ा कराते हैं, चक्की पीसती है, लेपा पोती करती है, उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि सत्तू कभी आ जाए तो फिर सारा दिन उन सत्तुओं पे ही गुजर जाए। कभी ऐसा होता है कि तीन तीन दिन रोजे रखे जाएं और एक खजूर और एक पानी मिले इफ्तार सहर के वक्त, यूं भी कभी वक्त गुजारा है। और मेरे अजीजों याद रखना, हमने जो मिजाज इख्तियार कर लिया है ना इस वक्त, ये जो पूरी दुनिया में गाड़ियां भाग रही हैं, मुल्क से बाहर लोग जा रहे हैं, दौलतें जमा हो रही हैं, ये जरूरियात का रट्टा नहीं, ये जरूरियात नहीं, ये ख्वाहिशात है। जरूरियात तो पूरी हो रही थी, लेकिन वो जो ख्वाहिशात की तकमील थी, वो जो पड़ोसियों की बड़ी कार हमें परेशान कर रही थी, वो जो घर के सामने एक प्लाट था और दिल कर रहा था हवेली ना बना लूं, वो जो टेंशनें थी उन्होंने बहुत भगाया लोगों को, थका दिया। नजरियाती जिंदगी, और नजरियाती जिंदगी में कुछ करने का हक, कुछ कुछ इरादा किया जाए कुछ काम करने का। देखो सारे लोग सारी ड्यूटियां तो नहीं कर सकते, मैं ये माइक ऑपरेट नहीं कर सकता, तो फिर मेरा ख्याल है मुझे उस बंदे की भी कदर करनी चाहिए जो इसे चला सकता है। जो काम मैं गाड़ी में सफर करता रहता हूँ, वो कहाँ कहाँ घूम आते हैं, तो मैं तो सो जाता हूँ कई दफ़ा गाड़ी में, लेकिन ड्राइवर को लोग ड्राइवर कह के ही पुकारते हैं, हालांकि तू तो सोया हुआ था, वो तो जाग रहा था। उसकी अहमियत को समझना चाहिए। हम ना जिंदगी में कोई भी काम करें, एक तो काम करें और जो एक करें जिंदगी में, लेकिन ज़रा सोना करके करें, कोई एक मकसद बना ले, कोई एक मकसद हो, कोई इरादा हो, कोई प्रोग्राम हो। ना समझ आए तो बुखारी में हदीस मौजूद है, एक बूढ़ी अम्मा हुजूर की मस्जिद में झाड़ू देती थी, और चलो कुछ करती तो थी ना यार, और देखो सादत झाड़ू वहां देती है जहां 70,000 फरिश्ते सवेरे आते हैं, 70 शाम आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती है खातून। हमारे यहाँ तो खैर इमाम खतीब की भी कोई कदर नहीं होती, कोई नहीं होती। इमाम कभी को मशवरा दे ले तो कहते हैं सलामा ज़्यादा देता है, मौलवी नवा ले आओ, ये मशवरे ज़्यादा देता है, इसको चेंज करो। और मस्जिद के खादम की कोई हैसियत, लेकिन जो मस्जिद में झाड़ू देने की फजीलत है ना, हजरत बाबा फरीद साहब से जब कोई बंदा कहता था ना दिल बड़ा परेशान है, तो बाबा साहब कहते थे मस्जिद में झाड़ू दिया कर, अल्लाह सुकून अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक में ना बोले जी, सुने बात, मस्जिद में झाड़ू दिया कर, उठ ना फरीदा सुतिया, ते खलकत वे खंजा, ते मते कोई मिल जाई बख्शिया, ते चल तू भी बख्शिया जा, उठ ना फरीदा सुतिया, ते झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुता है ते रब ते जागदा है, तेरी डाढ़े नाल परीद, उठ ना कुछ कर। वो खातून चलो कोई काम तो करती थी ना, देखो ना गली से गुजरते हैं लोग, वहाँ खड्डा है, सबका मोटरसाइकिल गाड़ी सब तंग होते हैं, जो बंदा अभी गुजर रहा है ना रोड पे वो तबसरा कर रहा है कि देखो बल्दिया वाले सही नहीं कराते, तबसरा जो सारे करते हैं, तो एक कई तो एक दाबड़ा, दो बंदे दरकार हैं, रास्ता ठीक हो जाता है, पर इतनी मेहनत करने को कोई तैयार, क्योंकि हमारे मुल्क में जो शहर सबसे आम है वो तबसरा है। तबसरा करो सुबह शाम जितना मुमकिन है, तबसरे करो, ड्यूटी यही है हमारी।
वो खातून मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती थी, कोई जिंदगी का मकसद तो बनाया, कोई नजरिया तो। सियाबा नमाज पढ़ के चले जाते, खातून झाड़ू लेती, हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती, बीमार हो गई, कुर्बान जाए। हुजूर तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए, रात को इंतकाल हो गया, ठंड का मौसम था, हुजूर का हुक्म है जल्दी तदफीन कर दो, सियाबा ने तकलीफ देना मुनासिब ना जाना, उस खातून की तदफीन कर दी। सारा कुछ जानने वाले रसूल जो फर्श पे खड़े होके अर्श की खबरें दे, वो तशरीफ लाए और आकर के पूछा, खबर क्यों नहीं दी मुझे इस बूढ़ी के जनाजे की? कोई काम तो करती थी ना, कोई ड्यूटी तो थी ना, खबर क्यों नहीं दी? वैसे तो वारस जनाजा पढ़ ले तो दूसरा जनाजा जायज नहीं, वारसों ने न पढ़ा हो तो दूसरा जनाजा पढ़ा जा सकता है, हुजूर तो खुद वारस है ना सारी उम्मत के। तो रसूल करीम कब्र पे खड़े होके फरमाने लगे, सफे बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्यों? जिंदगी में कोई खिदमत तो है ना, कोई ड्यूटी तो है ना। पहले तो हम कुछ करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ दूसरों का ध्यान ही रखते हैं, दूसरों पर तवज्जो होती है कि फलाना फलाना, भाई आप अपना काम करें, कुछ कुछ जिंदगी में कर गुजरे, कोई ड्यूटी करें। अगर जिंदगी नजरियाती होगी, देखो ढेर सारे लोग होते हैं, नाम मेरा ही शायद आएगा कि मदरसा इन्होंने बनाया है, मस्जिद इन्होंने बनाई, मेरा ही नाम आएगा अगर कहीं मैं बनाऊंगा, लेकिन जमीन देने वाले का भी एक किरदार होता है, उसमें नक्शा नवीस का भी एक किरदार होता है, उसमें एक ईंट खर्च करने वाले का भी किरदार होता है, फिर वो काम खत्म नहीं होता। सरिया, वो लेंटर डालने वाले जो होते हैं उनमें जो सरिया बांधने वाला है वो भी एक कीमती किरदार रखता है, फिर कहते हैं इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाओ, फिर यहाँ भी काम खत्म नहीं होता, फिर और उसके गिर्द ढेर सारे लवाजमात हैं। जो बंदा जो किरदार अदा कर, आलिम अगर किताब लिख भी दे तो हो सकता है किताबत ना कर सके, और अगर कातिब भी हो तो हो सकता है उसे पब्लिश ना कर सके। तो ये कुछ ना कुछ खिदमात, कुछ ना कुछ ड्यूटियां, हजरत मौला अली शेरे खुदा ने छोटी उम्र में कहा था, या रसूलल्लाह दीन की मदद भी करूंगा, आपकी हिफाजत भी करूंगा। 63 साल उम्र पाई और हर मैदान में अगली सफों में, हर मैदान में अगली सफों में, हर मैदान में अगली, हुजूर से वादा किया था या रसूलल्लाह ड्यूटी करेंगे, खिदमत करेंगे। हमारे यहाँ यहाँ तो मनसूबा बंदी हो रही है, इमाम गजाली से आके किसी ने कहा हुजूर को बंदा मुखलिस मिलता ही नहीं, ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया, तो इमाम साहब फरमाने लगे चल तू ही मुखलिस हो जा, तेरी शक्ल में तो कुछ लोगों को मुखलिस बंदा मिल जाए, तो कुछ कर तो सही ना, सिर्फ तबसरे। हजरत मौला कायनात ने उम्र मुबारक सारी दीन की खिदमत में लगाई, तो जब 63 साल की उम्र में खंजर लगाना तो लोग तो कहते ना मेरे पुत्र का ध्यान रखना और मेरे बच्चों का ख्याल करना और फलानी ड्यूटी करना, तो जब खंजर लगा तो हजरत अली क्या कह रहे थे, फरमा रहे थे मुझे काबे के रब की कसम अली तो कामयाब हो गया है, ये देखो पानी पड़न सुहेलियां ते रंगा रंग कड़े ते परिया थे उसका जानिए ना जिसका तोड़ चढ़े। फरमाया देखो मैंने कोई इरादा किया था आज मैं कामयाब हुआ। बातें ज्यादा नहीं करनी, बस खत्म करता हूँ। जब यूं नजरियाती जिंदगी होती है ना, नजरियाती, फिर बंदा थोड़ी सी तकलीफ भी सह लेता है, कोई काम कर रहा है ना बंदा। सही बुखारी में हदीस है, एक खातून ने आके अर्ज किया था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी का मर्ज है, बड़ी तकलीफ में हूं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सब के लिए दुआ करते, बल्कि हुजूर तो दस्ते शिफा फेरते तो अल्लाह करम फरमा देता, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्गी है, तो आज हुजूर ने अनोखी बात की। वो पीछे साहबजादा बशीर साहब तशरीफ लाए, आगे तशरीफ ले आए जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जी आज नजरिया समझाया, तवज्जो है आप दोस्तों की मेरी बात पर। हुजूर फरमाने लगे अगर तू कहे तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा दे देगा, और अगर तू करे सब्र, माना क्या है मिर्गी के साथ ही गुजारा करे, अगर करे सबर तो फिर मेरा वादा है रब जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह। वैसे हम पीर साहब के पास, सैयद साहब के पास, बुजुर्गों के पास जाएं, पीर साहब हमें कहें कि गोडा ठीक कराना है दर्द के या जन्नत चाहिए, साडा की जवाब है ऐ गोडे का कुछ करो ना जी, ये सौन नहीं देता, यही जवाब है ना। लेकिन नजरियाती लोग नजरियाती होते हैं,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू बता, अगर तू कहे तो दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा दे देगा, और अगर सब्र करे तो फिर तेरे लिए जन्नत है। उस खातून ने एक मिनट नहीं लगाया सोचने पे, ये नज़रियाती लोग होते हैं, अर्ज की या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दे रब मुझे जन्नत ही अता करे। सुभान अल्लाह, क्या मतलब कि मैं गुजारा कर लूंगी मिर्गी के साथ, सब्र कर लूँ, मुझे अल्लाह जन्नत दे। हुजूर ने दुआ कर दी, खातून अर्ज करने लगी हुजूर जब मिर्गी होती है तो जिस्म से कपड़ा हट जाता है, हया आती है, खातून हूँ, औरत हूँ, तकलीफ महसूस करती हूँ। महबूब ने दुआ कर दी, सहाबा कहते हैं जितनी भी मर्गी मिर्गी होती थी उसके कपड़े नहीं जिस्म से हटते थे, जितनी मर्जी भी हो कपड़ा कायम रहता था, देर तक वो बूढ़ी अम्मा जिंदा रही। खवातीन एक दूसरे से कहा करती थी किसी ने जन्नती देखनी है तो इस बीबी को देखो, इसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत। सुभान अल्लाह, नजरिया नजरिया होता है, नजरिया। वैसे आना जाना, तस्वीरें बनाना, घूमना फिरना, प्लानिंग करना ही चलता रहता है, लेकिन जो नजरियाती लोग होते हैं ना उन्हें जरा थकावट भी थोड़ी होती है, नजरिए के लिए काम कर रहे हैं ना वो भागते हैं, उनका भागना उन्हें थकाता नहीं। जब आप नजरियाती हैं तो सुबह कयामत पे नजरियाती और गैर नजरियाती लोगों का नतीजा क्या है, यौम नक्षुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ्ता। अल्लाह फरमाते हैं ये जो मुत्तकी होंगे ना इन्हें रब की बारगाह में पेश किया जाएगा कयामत में, पर मेहमान बना के पेश किया जाएगा, इनका मेज़बान रब होगा, क्योंकि इन्होंने जिंदगी तकवे में गुजारी, मुख्तात वक्त गुजारा। वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और ये जो मुजरिम हैं इन्होंने जुर्म किए, मनपसंद जिंदगी गुजारी, फरमाया इन्हें प्यासे हांक के दोजख में फेंक दिया जाए, प्यासे हांक के जाएंगे जहन्नम की तरफ। अपनी जिंदगी में कुछ कुछ इरादा करें, देखें धूप छांव आएगी। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं धोखे बड़े हैं जी, हंसे कैसे, तो मैं कहा करता हूँ कि इतनी तकलीफें किसी को नहीं आई जितनी हुजूर को आई हैं। पर आप फरमान पढ़े, हजरत हारिस बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने तो मदीने वाले महबूब को जब भी देखा है मुस्कुराते देखा है। सारे काम 7 साल चलते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में कोई मकसद होना, ये जिन बुजुर्गों के हम आरास में आते हैं ना इन्होंने कोई मकसद हयात बनाया। ये मत समझना कि सारी जिंदगी फूलों पर गुजरी, ये उर्स वगैरह ये सारे काम बाद में होते हैं, बाद, वरना ढेर सारे सूफिया ऐसे हैं जिन्होंने रोड़े खा के वक्त गुजारा, बड़े ठीक ठाक रोड़े खाए, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, और इनकी अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो बड़ा कुछ इनके साथ किया गया, बड़े मामलात हुए, ऐसा नहीं ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये बड़ा मुश्किल काम है, इससे होके गुजरना पड़ता है, लेकिन ड्यूटी करें, कोई काम करें, कुछ अपने जिम्मे लें। ये जो हम वक्त गुजार रहे हैं ना जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं कहते टाइम पास कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ इतना टाइम कहाँ से आया जो आपको पास करना पड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार बोर होने का टाइम भी तो होना चाहिए ना बंदे के पास, आपके पास टाइम ज़्यादा इसलिए बोर हो रहे हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता बोर होने का। तो जब कोई काम करना है आपने, जब आगे बढ़ना है, कुछ मकासद हसना हासिल करना है, कुछ उमूर खैर सर अंजाम देने, फिर ज़िंदगी में उनको तय करें और उन पर काम शुरू कर दें। धूप भी आएगी, छाँव भी आएगी, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन काफिला रवा दवा रहना चाहिए। अल्लाह ताला इस आस्ताना ए नूर को हमेशा सलामत रखे। मेरा एक और जगह पे वादा था, मुझे वहाँ आगे बढ़ना है। ये जो महफ़लें होती हैं ये कभी भी इनको शख्सियात की महफ़लें नहीं बनाना चाहिए, सारी तकरीरी नज़रिए पर की है महफ़लें, तो हुजूर के नाम की कोई आएगा कुछ आएगा, ये तो सिलसिला चलता रहता है, इसमें कभी भी ये फोकस ना करें। आप हजरत के लिए आए हैं, बुज़ुर्गों के लिए आए हैं, मैंने जब वादा किया था तभी गुजारिश की थी कि मुझे इतने को बजे आप मौका दे दें ताकि मुझे आगे बढ़ना है। किसी दोस्त को उठने की ज़रूरत नहीं, बुज़ुर्ग बैठे हैं, सादात बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता, इत्मीनान से बैठे। आप लोग सिर्फ वो 2-4 एक संगी जो मेरे साथ हैं वो तशरीफ़ ले जाएंगे, बाकी मुरत्तब प्रोग्राम है वो अपनी तरतीब से आगे बढ़ेगा। आखिर दावा यानी